वेलकम बैक टू माई चैनल नीपियांची। सो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में डिफरेंस, और उसके कुछ एग्जांपल्स लिखाऊंगी। 5 एग्जांपल्स आप इसमें रोट डाउन कर सकते हो, मेरा स्क्रीन शॉट ले सकते हो, उसके बाद आप रिटर्न कर सकते हो। तो चलो मैं आपको पहले सब्जेक्ट बता देती हूँ। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जैसे कि मैं आपको आज सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में एग्जांपल्स लिख कर बताऊंगी। मैं आपको पहले सब्जेक्ट की डेफिनेशन बता देती हूँ। सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हमें पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में और थिंग के बारे में बताता है। ओके गाइस, तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए जैसे मैं आपको एक कोई एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे कि गोपाल is reading। मेरी राइटिंग थोड़ी छोटी गंदी कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं फटाफट लिख रही हूँ, इसलिए रीडिंग नॉवल। ठीक है, तो आप कोई सभी एग्जाम्पल्स बना सकते हो। जैसे अभी पर्सन के बारे में मेरे हो रहा है गोपाल इज रीडिंग अ नॉवल, तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा होगा? जो पर्सन है। मैंने अभी आपको ये याद रखना है कि सब्जेक्ट की डेफिनेशन मतलब वो किसके बारे में बताता है, पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में और थिंग के बारे में। ठीक है गाइस, उसके बारे में बताता है। और जो पर्सन है आपको यहाँ पे गोपाल आ गया, और जो बाकी बचा इस रीडिंग अ नॉवल वो हमारा प्रेडिकेट है। ओके, दिस इज आर प्रेडिकेट एंड गोपाल इज आर सब्जेक्ट। तो गाइस अगर आपको ये समझ आ रहा है तो मुझे कमेंट्स में बताना। अगर जिनको नहीं समझ आया वो मैं अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में डालकर अच्छे से उसका ब्लैक बोर्ड में समझा दूँगी। सेकंड वाला है, आप इसमें रोडन कर सकते हो। सेकंड वाला है जैसे कि रूही इज अ होनेस्ट गर्ल। जो रूही है होनेस्ट गर्ल, जो रूही है वो एक ईमानदार लड़की है। ओके, जो रूही है वो एक पर्सन के बारे में आ जाता है, तो रूही क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और ये जो बाकी जो होनेस्ट गर्ल वो क्या हो जाएगा? हमारा प्रेडिकेट। तो बाकी भी आपको ऐसे करने हैं। मैं आपको वन मोर एग्जांपल एक और बता देती हूँ। तो जैसे ये प्लेस के बारे में भी होता है ना सब्जेक्ट, तो ये देखिए मैं आपको एग्जांपल लेकर बताती हूँ एक, जैसे कि जयपुर। आप कोई सा भी सिटी का नेम ले सकते हो। जयपुर इज कॉल्ड ए पिंक सिटी। जो जयपुर है उसको हम क्या कहते हैं? पिंक सिटी कहते हैं, तो सबको पता ही होगा और ये आपको पता भी होना चाहिए अपनी नॉलेज के बाद। तो जयपुर एक क्या हो जाएगा? प्लेस के बारे में हो जाएगा। तो जयपुर हमारा सब्जेक्ट है। जो जगह जयपुर के बारे में यहाँ पे द होता तो वो भी हमने लेना था, अकेला जयपुर है। ठीक है, कईयों में नहीं भी लेते हैं, पर कईयों में ले लेते हैं, कईयों में नहीं भी लेते हैं, ये भी आप याद रखें। सब्जेक्ट इज कार, और ये इज कार्ड पिंक सिटी का आ जाएगा हमारा प्रेडिकेट। गाइस मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ एग्जांपल्स लिख कर दूँगी 10 तक। तो गाइस आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और लाइक कर देना मेरी वीडियो को, लाइक कर देना। तो चलो गाइस अभी तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।